कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान स्टेटमेंट दिंदा सी ते दिल्ली हिलदी सी। जथेदार श्री अकाल तख्त साहब बोलता सी ते दिल्ली का तख्त हिलदा सी। अज श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान देश के गृह मंत्री प्रधानमंत्री चिट्ठियां लिख लिख के थक गया है कि असी मिलना चाहते अगले टाइम। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार आदेश कर चुके ने केंद्र सरकार के सिखां दे मसले हल करो, अगले टस तो मस नहीं होंगे। चाहे सुर सिंह वाले है, चाहे तरना दल है, चाहे बुढ़ा दल है, चाहे जिन्ने भी दल पंथ ने, चाहे टकसाला ने, चाहे संप्रदावान ने, चाहे महापुरुषों के रामपुर खेड़े वाले होए या होर होए, हर एक का सत्कार करते, निर्मला पंथ का सत्कार करते, उदासीन संप्रदा का सत्कार करते। अज अं नप करी देने फिर कहने कोई पंथ मजबूत नहीं होंगे। पंथ कैसे मजबूत होगा जदों असी आप ही यहोजा कुहाड़ा फड़िया। देखो मैं एक बेनती करांगा कि कोई समा सी जदों आजादी के परवानियां नूं काले पानी दियां सजावां दित्तियां जांदियां सी, और जे अज कह लईए कि जिहड़ा डिब्रूगढ़ है वह भी काले पानी तो घट नहीं। 3000 किलोमीटर ते जाके तुसी पंजाब दे वसनीक नूं जेल दे विच बंद कर दीजे, इहदा मतलब की है कि तुसी सिखां नूं डराउणा चाहुंदे जी? इहदा को एक मकसद है कि अजिहे कदम चुके सरकारां जिहड़ियां ने वो सिखां दे मन च दहशत पैदा करना चाहुंदियां ने। पर मैं बेनती करूंगा उन्हां सारे लोकां नूं जिहड़े अजिहियां साजिशां रचदे ने, अजिहे कदम चुकदे ने, किते सिखां दा इतिहास पढ़ के देखिया जाए। जदों तुसी सिखां दा इतिहास पढ़ोगे फिर तुहानूं अपने आप ही पता लग जाएगा कि वह कौम है मनू असाडी दातरी, असी मनू दे सोए, ज्यों ज्यों मनू वढ़दा असी दून सवाए होए। जद भी सिखां ते सिख कौम ते कोई हमला करता है ते फिर सिख जिहड़ा है होर चिंग दे नाल, होर प्रेशर दे नाल, होर शक्ति दे नाल उठता है। सो अज उन्हां नूं जिहड़ियां संबंधित सरकारां ने, जिहड़े संबंधित लोक ने, जिन्हां दे हुक्मां दे उत्ते भाई अमृतपाल सिंह जी खालसा ते होर सारे सिंह जिहड़े ने वो डिब्रूगढ़ दी जेल च बंद ने, उन्हां नूं भी कौम दा यह मैसेज जिहड़ा है समझ लैना चाहिए। और कौम एक साल तो ही अजिही मंग कर रही है कि उन्होंने डिब्रूगढ़ क्यों सुटिया गया, कि पंजाब दे अंदर जेलां नहीं, कि पंजाब दे अंदर सरकारां कोले किसे तरह का प्रबंध नहीं, पर नहीं सुनवाई हो रही। और अखीर वार वार अपीलां करन दे बावजूद, वार वार कदम चुकने के बावजूद
सरकारा तस तो मस नहीं हुई। बड़े सत्कारयोग साड़ी कौम दे जथेदार तरना दल दे जथेदार सिंह साहब जथेदार जोगा सिंह जी बाबा मेजर सिंह जी अपने दल पंथ दे नाल अज दे इस धरने विच शामिल होए ने और जदों अजिहियां शख्सियतां अजिहे धरनियां दे विच शामिल होंदियां ने फिर धरनियां नू फिर मोर्चियां नू शक्ति मिलदी क्योंकि जद तक साडी कौम इकट्ठी नहीं होंदी जद तक साडी कौम दी आवाज एक सुर नहीं होंदी उन्ना चिर दुश्मन नू जिहड़ा आ उह चुका सकना मुनासिब नहीं। मैं बेनती करूंगा कि मैनू याद है मैं छोटा जिहा हुंदा सी 1977 दे विच लोक सभा दीआं चोणां सी ते जथेदार मोहन सिंह जी तोड़ साडे इलाके तो इलैक्शन लड़दे सी ते उहनां दा मैनू अज तक याद है वो कहिंदे सी पंथा वो पंथ नू संबोधन करदे होए कहिंदे सी पंथा बच जा इकट्ठे रहो तुहाडे विच सरकारां ते एजेंसियां मंडियां पाउणा चाहुंदियां ने कौम नू कमजोर करना चाहुंदियां ने पंथ नू कमजोर करना चाहुंदियां ने। ये अज कोई नवीं गल नहीं कि साडे विच वंडियां पाउण दीआं कोशिशां कीतीआं गईआं ने पर उह समां सी जदों कौम ने अपने आप च विरोधियां दीआं सरकारां दीआं एजेंसियां दीआं साजिशां नूं फेल कीता सी ते वंडियां नहीं सी पैण दित्तियां ते श्री अकाल तख्त साहिब दी रहनुमाई दे थले समुचे पंथ ने एक मुठ हो के बड़े वड्डे वड्डे संघर्ष कीते ने ते जित्तां प्राप्त कीतियां ने। और अज तुसीं देख लो अज क्यों साडी अजिही हालत है कि असीं सिर्फ जेल तब्दील करवाउणा चाहुंदे ते कोई सुनवाई नहीं क्योंकि सरकारां समझ चुकियां ने कि इह आपस विच वंडे होए ने इह कोई एक दूजे दे सगे नहीं एक दूजे नूं नीवां दिखाउण दी खातर पता नहीं किहड़े किहड़े शब्दां दी असीं वरतों कर जांदे आ। मेरी हथ बन के बेनती है इहदे नाल ना कौम दी वडियाई जे ना तुहाडी वडियाई जे हां उहनां नूं शक्ति जरूर मिलदी है जिहड़े कौम दा नुकसान करना चाहुंदे। मैनूं याद है मेरी उम्र दे बाकियां नूं सारिआं नूं याद होऊगा कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दा प्रधान स्टेटमेंट दिंदा सी ते दिल्ली हिलदी सी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब बोलदा सी ते दिल्ली दा तख्त हिलदा सी। अज श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दा प्रधान देश दे गृह मंत्री नूं प्रधानमंत्री नूं चिट्ठियां लख लिख लिख के थक गया है कि असीं मिलना चाहुणे अगले टाइम नहीं दिंदे। श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार आदेश कर चुके ने केंद्र सरकार नूं कि सिखां दे मसले हल करो अगले टस तों मस नहीं हुंदी। आ बंदी सिंघां दी रिहाई बारे जिहड़ी कमेटी बनी है मैं भी उहदा हिस्सा है जिहड़ी पंज सिंघां दी बनी और असीं भी बड़ियां चिट्ठियां लिखियां ते तुसीं इह हिसाब ला लो कि मेरा ख्याल है कि 3 महीने तों उत्ते कमेटी बनी नूं हो गए है अजे तक किसी ने समां नहीं दिता। क्यों नहीं दिता? क्योंकि साडे विच वंडियां ने असीं मैं इक बेनती करां जी संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले नूं आपां सारे प्यार करदे। मैनूं याद है कि
ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਦਲ ਪੰਥ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਕਸਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੇ ਹਮਰੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਨੌ ਪੂਰਬੀਏ ਬਾਰਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਚੱਲਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨੌ ਪੂਰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਨੌ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਬਣ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਸਾਢੇ 6 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 3 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਟਵਾਈ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਸੀ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਵਰਗੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ 4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ 30-30 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ 302 ਦੇ 307 ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤੇ ਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਭੁਗਤੇ ਕੋਈ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕਿਲੋ ਗੰਢੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਬਸਿਰ ਭੁਗਤੇ ਤੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਪਰ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਟਣਾ ਬਣਦਾ ਆ ਮਾਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਮਿਲਦਾ ਆ ਜਿਸ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਘਬਰਾਈ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੀ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਰਜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਆ ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ ਬੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕੀਆਂ ਚ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੀ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠਾ ਮਾਤਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬਹਿਦਾ ਆ ਇੱਕ ਲੱਤ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਮਾਤਾ ਆਈ ਔਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਰਸਿਆ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਮਾਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੀ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ
इन्होंने तशद्दुद किए चढ़दी कला च। मेरा ख्याल के मेरे च एहो जी शक्ति आई कि जड़े वो सारा कुछ सीगा, क्योंकि मां नूं चढ़दी कला च देखिया, मां का आशीर्वाद चढ़दी कला वाले ले लिया। इस करके मेरी हाथ बन के बेनती है, पर मां का हिरदा उस मां ते मेरी ने मैनू याद है, भावे मैनू कहेगी कि पुत्ता घबराना नहीं, पर उसके मन से जो बीती होगी, क्योंकि उस समय साढ़े सारे परिवार से ही मेरे तो छोटे थे, मेरे तो वड्डिया थे, तशद्दुद की हनेरी झुली सी, तो मां ने सारा कुछ देखिया। भावे उस समय लत्तां भी ठीक सीगियां, बाहां भी ठीक सीगियां, पर तशद्दुदां की पीड़ जिहड़ी है समां आउण ते हर किसे दे शरीर चों निकलदी है। अज जे साडे अरगे चलण तो एक तरह समर्थ हो गए, बहण तो असमर्थ हो गए, उहदे पिछे उही तशद्दुद ने। पर मैं अपनी इत्थे कहानी नहीं दसना चाहुंदा। खालसा जी, मेरी इक्को बेनती है, इकट्ठे हो जाओ, एक मत हो जाओ, एक सुर हो जाओ, तादी जिहड़े विरोधी ने जां जिहड़ियां एजेंसियां ने जिहड़ियां सारा कुछ करदियां ने उहनां ते असर हो। बड़ा कुछ करने की कोशिश की जाती रही है, पर उदों तक कोई नेपरे नहीं चढ़िया उन्होंने साजिशां जब तक कौम एक मुठ रही। मैं अपने वालों विश्वास दवाना, विश्वास दवाउण दी गल नहीं, हमेशा ही परिवार के नाल रहे, जिन्ने जोगे हैं आप दी आवाज बुलंद करी दी है, जिथे भी कितने धक्का होंदा किसी भी सिख नाल होंदा। आ जिन्ने भी सिंह ने, बंदी सिंह ने, मेरी सारे नाल साथ है, पुराने साथी ने, उस समय के साथी ने, 1984 तो पहलों के साथी ने, हाँ जी अज भी वो मेरे नाल सांझा रखते ने। प्रोफेसर दविंद्रपाल सिंह भुल्लर इत्थे अमृतसर रणजीत एवन्यू, अजकल वह भी पैरोल ते आए हुए ने, छुट्टी ते आए हुए ने, पर जिहड़े हालातां च वह लंघे ने। अज जिहड़े सिंह बैठे ने, जे भाई जगतार सिंह हवारा की गल कर लीए, तिहाड़ जेल जिहड़ी है ना जी, तिहाड़ जेल दे विच बंदा मत्थे नहीं लगन दिंदे दूजा, इहो जी आइसोलेशन च इहो जी थां ते रखदे आ कि कोई तुहाडी सोच दा तुहानू मिल ना पवे। उस तिहाड़ जेल दे विच भाई जगतार सिंह हवारा बंद ने, भाई प्योरा बंद ने, भाई तारा सिंह बंद ने, भाई तारा बंद ने, भाई बलवंत सिंह राजोवण 29 साल तो जेल च बंद है। तो तुसी हिसाब ला लो कि 17 साल तो फांसी के तख्ते ते खड़ोता है। किसी ने चेता है? चेता ही नहीं कि अपन किसी का चेता ही नहीं। ये ना समझो कि इतने आए हैं तो चार चार मिनट भाई अमृतपाल सिंह ने गल्लां कीतियां तो इहदे नाल ही मोर्चा फतेह हो जाए। एक कौम नूं लड़ाई लड़नी पैणी, पर यह तो सवाल भी वड्डा नहीं। यह तो सवाल सिर्फ इन्ना है कि उन्होंने डिब्रूगढ़ तो पंजाब दी जेलों च तब्दील कर दो, केस चला लो, चला लो केस, कोई इतराज नहीं, जो तुम करना है कर लो, पर जिहड़ा पंजाब है वह तो उन्होंने तब्दील करो। मैं फिर हाथ बन के बेनती करूंगा कि भाई जड़े भी सिंह इतने आते, मैं स्टेट सैकटरी साहब भी बेनती करूंगा, प्रबंधकों को बेनती करूंगा कि जेडे कौड़े शब्द ने ना इतों बोले हुए वो वायरल बहुत होंगे, वो बहुत गांह जाते ना बोलो, इन्हों इतों चढ़ती कला की गल करो, एक गल करो, एक जुटता की गल करो, और मैसेज दो उन्होंने सरकार जेडे ये वास्ते दोषी ने, जिन्होंने जबर से जुल्म किया, जेडे अज भी कर रहे हैं, पिछे भी कर रहे हैं, एकजुट होके अपने आवाज न बुलंद करो। मेरी हाथ बन के बेनती है। मैं एक होर बेनती करा, बाबा जोगा सिंह होरी बैठे है, बाबा जरनैल सिंह होरां दी सानूं संगत करन दा मौका, बाबा जरनैल सिंह होरां तो आप वड्डा कोई सिद्धांतवादी नहीं मन सकते। उस समय निर्मला पंथ, उदासीन पंथ, जिहड़ियां होर संप्रदावां ने वह सारे जिहड़े आ एक मुठ होके पंथ दे नाल चलदे। अज असीं निर्मलियां नूं आर एस एस वाले, उदासीन पंथ नूं आर एस एस वाले,
पता नहीं आरएसएस कोई नवी थोड़ी आ गई है, वो भी 100 साल तो पुरानी है। जिन्हां ने साड़ी कौम वास्ते रोल अदा किए, महापुरुष बाबा जरनैल सिंह होरी, हर दल पंथ का बाबा जोगा सिंह बैठे, बाबा मेजर सिंह होरी बैठे, चाहे सुर सिंह वाले है, चाहे तरना दल है, चाहे बुढ़ा दल है, जां जिन्ने भी दल पंथ ने, चाहे टकसाला ने, चाहे संप्रदावां ने, चाहे महापुरशां दे रामपुर खेड़े वाले होए जां होर होए, हर इक दा सत्कार करदे सी। निर्मला पंथ दा सत्कार करदे सी, उदास सिंह संप्रदा दा सत्कार करदे सी। अज अहीं नप कली दिंदे फिर कहिंदे कि पंथ मजबूत नहीं हुंदा। पंथ कैसे मजबूत होगा जदों असीं आप ही इहो जिहा कुहाड़ा फड़िया। मैं बेनती करूंगा जी, अखीर ते मैं सरकार नूं कहना कि समा है, ये कोई वड्डी मंग नहीं गी। क्यों करते जी इस तरह, की फायदा इन्हां गल्लां दा? तुसीं जेल कटाउणी है इत्थे पंजाब च कटाओ, ये तुहाडी जिद जिहड़ी है ये साडे मन च नफरत पैदा करदी, नफरत अगे भी घट नहीं, अगे भी घट नहीं। जो कुछ सानू इस धरती दे उत्ते इत्थों दे हाकमां ने दित्ता भुल नहीं सकदे, पर असीं भुल भी जांदे, भुल भी जांदे। ये गुस्सा ना करिया जी मेरा, जे भुले हैं तो काल तख्त नूं ढाउण वाले इत्थे तीन तीन वारां सरकारां बना गए। इस करके मैं इस पासे नहीं पैना चाहुंदा, मेरे च नुक्स होणगे, अकाली दल च नुक्स होणगे, हाँ जी हुंदे ने, हर इक च हुंदे ने, पर इको एक अकाली दल जिहड़ी साडी वड वडेरियां दी पार्टी, साडे पंथ दी पार्टी है, सिर्फ एक प्रचार करके अहुआ खड़ा करके आपां खिंची जांदे आ। इस करके सारे इकट्ठे हो, अकाली दल तुहाडे नाल है। प्रधान साहब नाल मेरी साहब सुखबीर सिंह बादल होरां नाल गल होई सी, उन्होंने भी कहा कि मेरे वालों भी उत्थे संगत नूं संदेश देना, बेनती करनी, अपील करनी कि असी सारे ही उन्होंने नाल सो इन्नियां बेनतियां करदे होए, कोई वध घट बोलिया गया होवे माफ कर दिया जी। बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।